ओके सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, हैव यू एवर हर्ड अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग? इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में सुना है? मान लीजिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि एक कंपनी है और हम उस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, लेट्स से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है, ठीक है? नाउ मेरी जो कंपनी, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज है और हम रिलायंस इंडस्ट्री के बहुत ही एक इंटरनल मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। मेरी मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बातचीत चल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक जापानीज कंपनी के साथ मर्जर करने वाली है, अभी किया नहीं है। यानी हम लोग की एक आपसी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हम लोग ने डिसाइड किया कि भाई एक प्रपोजल आया है जापानीज कंपनी से, अगर हमारी कंपनी जापानीज कंपनी से मर्ज कर लेती है तो हम मार्केट में एक बहुत बड़ी पोजीशन ले लेंगे, ठीक है? ये हमारी बातें चल रही, अभी प्रपोजल फाइनलाइज नहीं हुआ। जब ये प्रपोजल चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई आज रिलायंस के जो शेयर मार्केट में बिक रहे हैं वो एक नॉर्मल रेट पे बिक रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब ये न्यूज मार्केट में आ जाएगी कि रिलायंस कंपनी का मर्जर होने जा रहा है किसी बाहर की कंपनी के साथ, तो रिलायंस कंपनी के शेयर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे बताइए? बढ़ जाएंगे, ठीक है? जितना भी शेयर का मूवमेंट होता है ना मार्केट के अंदर, शेयर प्राइस बढ़ना या घटना, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन न्यूज। जैसे ही कोई न्यूज आती है, अच्छा इस कंपनी का मर्जर होने वाला है, इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी मतलब शेयर प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ने का सीधा सीधा मतलब है डिमांड बढ़ेगी। ये आप बेसिकली अंडरस्टैंड करते हो, जब मार्केट में किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है? जब लोगों को ये पता चलेगा कि रिलायंस कंपनी का मर्जर किसी जापानीज कंपनी के साथ होने वाला है तो सब लोग रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे, और जब सब लोग रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या किया, आज ये मर्जर वाली बात सिर्फ और सिर्फ हमारी क्लोज्ड रूम बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुई, मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो हमने सोचा जब ये बात मार्केट में आएगी तो रिलायंस के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। आज मार्केट में रिलायंस का एक शेयर 100 रुपए का बिक रहा था, हमने 100 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर्स खरीद लिए, ठीक है? हम कौन थे? हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर थे। आज रिलायंस का शेयर 100 रुपए का बिक रहा था, हमने 100 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर खरीद लिए और हम शेयर खरीद के चुपचाप बैठ गए। फिर ये मर्जर वाली बात मार्केट में आई और जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ। जैसे ही ये बात मार्केट में स्प्रेड हुई, लोगों ने रिलायंस के कंपनी के शेयर्स की डिमांड करी और अल्टीमेटली रिलायंस के शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ गया। वो शेयर जो 100 रुपए का था आज उसकी वैल्यू 500 रुपए की है। बताओ हम क्या करेंगे? एज सिंपल एज दैट। और हम बैठे बैठे करोड़पति छोड़ो अरबपति बन गए होंगे। हमने 100 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर खरीदे और हमने कुछ ही समय में, 1-2 महीने में 500 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर बेच दिए। यानी 1,00,000 शेयर पे हमने कितने रुपए कमा लिए? 400 रुपए। ये समझ में आया? 100 रुपए के हिसाब से खरीदे और हमने 500 के हिसाब से बेच दिए, यानी 400 रुपए पर शेयर का मेरा फायदा हो गया। ये ट्रांजैक्शन क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। एक बात सोच के देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर किसी एक इंसान का 10 रुपए का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी दूसरे का 10 का नुकसान हुआ होगा। बिना इसके स्टॉक मार्केट नहीं चल सकती। स्टॉक मार्केट में देयर आर टू पीपल, ठीक है? अगर हम ये कह रहे हैं मेरा 10 रुपए का फायदा हुआ है तो दैट इज 110% श्योर कि किसी और का 10 का नुकसान हुआ होगा। हमने अगर 400 रुपए पर शेयर का फायदा उठाया है, इसका मतलब किसी और का 400 रुपए पर शेयर के हिसाब से नुकसान हुआ होगा। और हम ये फायदा इसलिए उठा पाए क्योंकि हमें कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी थी। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं थी, तो देखा जाए हमने तो कंपनी के इनसाइडर होने का फायदा उठाया ना। हम कंपनी के इनसाइडर थे, हमें कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पता थी और उसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने शेयर्स में ट्रेडिंग करी। आपको नहीं लगता अगर ऐसा सब कुछ लीगल हो और सब कुछ सही हो तो फिर तो कंपनी के इनसाइडर ही कमाएंगे सिर्फ कंपनी की सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाया है, डिविडेंड बहुत अच्छा डिक्लेयर होगा। पब्लिक को तो तब पता चलेगा ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किए जाएंगे, लेकिन कंपनी के जो इंटरनल पीपल हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको तो पहले ही पता चल जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले ही पता चल गया कि भैया इस साल बिजनेस को देखते हुए लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है,
एक काम करो, आज शेयर सस्ते में है, खरीद लो। जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिक में डिस्क्लोज होंगे, प्रॉफिट की बात सामने आएगी, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, तब हम बेच देंगे। तो आपको नहीं लग रहा, इस हिसाब से तो सारे इनसाइडर ही फायदा उठाएंगे, और अगर सारे इनसाइडर फायदा उठाएंगे तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक का। तो ये सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट में दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग, ये होता ही है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत प्रेविलेंट चीज है, लेकिन सेबी ने कहा कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से एक्चुअली में वो जो इनोसेंट इन्वेस्टर है, जनरल पब्लिक है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड जैसा कि हम लोग को पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी ने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग की रेगुलेशन बना दी। आपको क्या लगता है, ये रेगुलेशन बना के इनसाइडर ट्रेडिंग रुक गई होगी? आज भी इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत आराम से होती है। देखो, हमारी एक बेसिक सी चीज आई ऑलवेज से, हमारी कंट्री में कोई चीज गुनाह तब तक नहीं है जब तक वो पकड़ा ना जाए। एंड आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल, आप कितनी चीटिंग करते हो टेस्ट में, एग्जाम में, कब तक आप गलत नहीं हो? जब तक पकड़े ना जो, जिस दिन पकड़ लिए जाओ उस दिन गलत, जब तक नहीं पकड़ रहे हो, लीगली चोरी कर ली, लीगली चीटिंग कर ली, ठीक है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन जो केस पकड़ जाएगा उसके अगेंस्ट पेनाल्टीज हो जाएंगी। अदरवाइज द कोर ट्रूथ एंड रियलिटी इज दैट इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत होती है, ज्यादातर मामले जो होते हैं वो सब इनसाइडर ट्रेडिंग के होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग का, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, हु इज एन इनसाइडर नाउ, वो लोग जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, जिनके पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है? और वो कर क्या रहे हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर। अच्छा, रिवर्स एग्जांपल लेके देखिए, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरी रिलायंस कंपनी है, और मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए चल रहा है, मान लो बहुत अच्छा चल रहा है। कंपनी में धीरे धीरे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कंपनी धीरे धीरे इंसॉल्वेंसी की कगार पे पहुंच रही है। अब समझिए, उल्टा रिवर्स एग्जांपल लिया है हमने, आज कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, लोगों की नजरों में रिलायंस कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन हम कंपनी के अंदर के हैं, हमको पता है कंपनी की इंटरनल सिचुएशन क्या है, और अगले 6 महीने 7 महीने 10 महीने के अंदर अंदर ये सच्चाई लोगों तक पहुंच जाएगी कि ये कंपनी धीरे धीरे इंसॉल्वेंट होने वाली है। अब बताइए हम क्या करेंगे, मेरे पास जितने शेयर हैं हम वो सब बेच देंगे। आज 100 रुपए का भाव, तो हमने 100 रुपए पे सारे शेयर बेच दिए, ठीक है? 10 महीने बाद वही हुआ जो हमने सोचा था, और वो 100 रुपए का शेयर आज 20 रुपए पे बिक रहा है। सोचिए हमने क्या किया, हमने इनसाइडर इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के वो शेयर जो आज 20 रुपए का बिक रहा है, हमने कितने पे बेच दिया था, 100 पे बेच दिया। दिस इज व्हाट इज द यूज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ओके? तो सेबी के हिसाब से ये गलत है, और इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए रेगुलेशंस बनाई गई, जिसका नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। फाइन, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना? चलो इसको हम लोग देखते हैं, रीड करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है कि इनसाइडर ट्रेडिंग, जब से हमारा कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ है तब से इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ में जरा मार्क करिए, इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स डीलिंग इन कंपनी सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कंपनी विच इज नॉट पब्लिश्ड और नॉट नोन टू द पब्लिक। हम लोग इस इंफॉर्मेशन को UPSI बोलते हैं। पूरे एक्ट, पूरे चैप्टर में हम लोग UPSI बोलेंगे, एंड UPSI स्टैंड्स फॉर अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस शब्द को जरा पहले बहुत ध्यान से समझो, व्हाट डू वी मीन बाय अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश का मतलब बताओ, जो पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है। अनपब्लिश्ड मतलब अभी कॉन्फिडेंशियल है, अभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे शेयर प्राइस इफेक्ट हो सकते हैं। आगे बात समझ में, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मींस ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, और उस इंफॉर्मेशन से शेयर प्राइस इफेक्ट हो सकती है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि मेरी कंपनी मर्जर करने वाली है जापानीज कंपनी से, ये इंफॉर्मेशन अनपब्लिश्ड थी कि नहीं थी? यस। Was this a price sensitive information? Yes. क्योंकि जब ये information public में आएगी तो उससे company के share prices effect होंगे. Okay? तो कोई भी information जो unpublished है, जिससे share price effect हो सकते हैं, उसको unpublished price sensitive information कहा जाएगा।
यूज्ड टू मेक पर्सनल प्रॉफिट एंड अवॉइड लॉस, और इसी को रोकने के लिए, अब ये पूरा इंट्रोडक्शन है ये सब मत पढ़ना, लास्ट में देखो लिखा हुआ है सेबी ने क्या किया, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस लॉन्च कर दिए, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 जिसने रिपील किया, पहले जो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस थे वो 1992 के थे, इसको अमेंड करके 2015 के ये लेटेस्ट रेगुलेशन लॉन्च हुए। ओके फाइन, अब यहां से देखिए जरा इनसाइडर ट्रेडिंग की टेक अवेज, आ गए सब लोग यहां पर, इनसाइडर ट्रेडिंग इज द बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाय अ पर्सन हु हैज एक्सेस टू नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयर और सिक्योरिटी। बताइए ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, इट इज द बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रेडिंग, कौन कर रहा है, बाय अ पर्सन हु हैज एक्सेस टू नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास यूपीएसआई है, अगर वो उस यूपीएसआई के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, इनसाइडर ट्रेड। द पर्सन ब्रैकेट में देखो लिखा है इनसाइडर has this access by virtue of his position in the company. उसको कैसे उसको ये confidential information मिल रही है, क्योंकि वो company का insider है, and the person uses the information to gain advantage over others or to avoid loss. वो फायदा उठा रहा है इस confidential information का, ताकि दूसरों के comparison में वो ज्यादा profit कमा सके, ठीक है, fine. अब देखिए सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, इस पे एक सीरीज भी आई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, स्कैम वाली एक सीरीज आई थी, किसने किसने देखी थी वो सीरीज, अच्छा इसमें से समझ में आई, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लग, अगर एक्चुअल में आप समझना चाहते हैं तो आपका फुल फोकस होना चाहिए, तब समझ में आएगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी इट इज एडवाइजेबल कि प्लीज वॉच, कुछ कुछ ही ऐसी पिक्चरें होती हैं जो आपके काम की होती हैं, सो दैट यू कैन लर्न, एंड एक्चुअली यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट, अगर आप आराम आराम से उसको देख के समझ समझ के देखो, ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझ के देख लोगे काम हो जाएगा, तो यू लर्न एक्चुअली अ लॉट, ठीक है, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज देख लीजिएगा, हम नहीं यहाँ पे दिखाएंगे, अपना अपना अलग अलग देखो, ठीक है, चलो, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है, सबसे पहली डेफिनेशन है कंप्लायंस ऑफिसर, नाम से समझ में आ रहा है कंप्लायंस ऑफिसर का काम बताओ क्या हुआ, ये चेक करना कि रूल्स रेगुलेशंस कंप्लाइड है कि नहीं है, ठीक है, कंप्लायंस ऑफिसर मींस एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड सो एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस द बोर्ड इज नॉट देयर। तो कंप्लायंस ऑफिसर एक सीनियर ऑफिसर होता है जो किसको रिपोर्टिंग करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सेकेंड पॉइंट में लिखा है हु इज फाइनेंशियली लिटरेट, फाइनेंशियली लिटरेट मतलब क्या हुआ, आर यू ऑल फाइनेंशियली लिटरेट, बताओ क्या कह रहे हो अपने बारे में तुम लोग, आप लोग लिटरेट हैं, लिटरेट हैं, चलो इसमें तो हाँ आ गया, क्या आप लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, नो, फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब होता है यू हैव नॉलेज रिगार्डिंग फाइनेंशियल थिंग्स, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट पढ़ना है या फाइनेंशियल मार्केट की चीजें हैं, कैपिटल मार्केट की चीजें हैं, इनकी एक्सपर्ट नॉलेज आ जाती है तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है, ऑल्दो ये कोर्स खत्म करते करते तक आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएंगे, आई होप सो, ठीक है, सो हु इज फाइनेंशियली लिटरेट एंड इज केपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स for legal and regulatory compliance under these regulation and who shall be responsible for compliance of policies, procedure, maintenance of record, monitoring adherence to the rules for preservation of unpublished price sensitive information. So basically company ke andar unpublished price sensitive information ko confidential rakha jaye, prohibition of insider trading regulation, isko PIT regulation kehte hain short mein. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के रूल्स कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा काम देखना किसका काम होता है, कंप्लायंस ऑफिसर।
मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन। कुल मिला के अगर हम लोग ऐसे देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन के रूल्स कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना किसका काम होगा? कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो भी रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सब प्रॉपर कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, दैट इज द वर्क ऑफ अ कंप्लायंस ऑफिसर। और यहाँ देखो ब्रैकेट में उन्होंने मतलब भी बताया हुआ है, फाइनेंशियल लिटरेट शैल मीन अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, कैश फ्लो, अगर इनको पढ़ना, सुनना, देखना आपको आता है तो आप फाइनेंशियली लिटरेट कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन है कनेक्टेड पर्सन की, लेकिन बिफोर कनेक्टेड पर्सन एक डेफिनेशन आपको दिखेगी इनसाइडर की। पहले इनसाइडर पढ़ोगे फिर कनेक्टेड समझ में आएगा। अब देखो इनसाइडर कौन होता है, इनसाइडर मीन्स एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन। ये बात समझ में आई? कह रहे इनसाइडर वो है जो कनेक्टेड पर्सन है, और कनेक्टेड पर्सन कौन है ये कहां दिया है? ऊपर वाली डेफिनेशन में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं इनसाइडर वो पर्सन है जो कनेक्टेड पर्सन है और इन पोजेशन ऑफ और हैविंग एक्सेस टू यूपीएसआई। तो इनसाइडर में दो पॉइंट्स आएंगे, इनसाइडर वो पर्सन है जो कनेक्टेड पर्सन है और जिसके पास क्या है? यूपीएसआई। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कनेक्टेड पर्सन बेसिकली वो पर्सन है जो कंपनी का एक इंटरनल मैटर्स में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कंपनी का कोई इंटरनल एम्प्लॉई है। ठीक है, कनेक्टेड पर्सन, कनेक्ट जो लाइन हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझना, कनेक्टेड पर्सन आर डीम्ड टू हैव यूपीएसआई। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स ही बोलना था। ठीक है, कनेक्टेड पर्सन डीम्ड टू हैव यूपीएसआई, ये मान लिया जाता है कि अगर आप कनेक्टेड पर्सन हैं तो आपके पास यूपीएसआई है। अब बताओ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इफ यू आर अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी के एक डायरेक्टर हैं तो अज्यूम क्या माना जाएगा? कि आप इनसाइडर हो। अब बात समझ में आई? कह रहे इनसाइडर दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो कनेक्टेड पर्सन है और दूसरे वो, शायद वो कनेक्टेड पर्सन नहीं है लेकिन उनके पास यूपीएसआई है। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हमारी फैक्ट्री, हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मीटिंग करते हैं वो सब तो ठीक है, वो सब तो कनेक्टेड पर्सन है, लेकिन एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, वो करता क्या था? वो कुछ नहीं करता था, बस जब बोर्ड मीटिंग चलती थी तो चाय पानी बिस्किट लगाना उसका काम था। ठीक है, और क्योंकि चाय पानी समोसा बिस्किट सब लगा रहा था तो ऑब्वियस सी बात है मीटिंग में जो चल रहा था वो उसको सुनाई दे रहा था। बताओ वो इनसाइडर हुआ कि नहीं हुआ? बाय वर्च्यू ऑफ विच पॉइंट? सेकेंड पॉइंट। अब बात समझ में आई? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर भी नहीं है, डायरेक्टर छोड़ो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसके पास यूपीएसआई है। और जनरली ऐसा होता भी है, आपको पता है ये लोग, इन लोग के पास जितनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना उतनी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास नहीं होती। सो दैट इज द थिंग, वो कनेक्टेड नहीं है लेकिन उसके पास यूपीएसआई है, तभी इन्होंने कहा। कह रहे इनसाइडर दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो वो कनेक्टेड पर्सन है, अगर वो कनेक्टेड है तो हम मान लेंगे उनके पास यूपीएसआई है, एंड अदरवाइज ऐसे पर्सन जो हो सकता है कनेक्टेड ना हो बट स्टिल दे आर हैविंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये दो तरीके के जो लोग हैं इनको क्या कहा जाएगा? इनसाइडर। हाँ बेटा, डाउट? हाँ देखो, ओके, हमें लग ही रहा था यही पूछोगे। ओके देखो, पूरी लॉ के अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ो, पूरी लॉ के अंदर प्रूफ कैसे होगा? हमने अभी आपको बताया ना, जब तक आप चीटिंग करते हुए पकड़े ना जाओ तब तक हमने चीटिंग करी नहीं। अगर खुद सोच के देखो, अगर सारे इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस पकड़ गए होते तो हमारे देश में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो ही नहीं रही होती, पकड़ा ही तो नहीं जाएगा अंटिल अनलेस प्रूफ। प्रूफ की वजह से जितने भी हमारे लॉ है ना, जब सब साइड हो जाते हैं, हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉ बनाए, आप खुद देखो इतने तो आप ही ने पढ़ लिए, हर चीज के लिए लॉ बनाया है। आप खुद सोचिए, सारे लॉ अगर फॉलो हो जाएं तो आपको नहीं लगता हम सब लोग बड़े पवित्र हो जाएंगे? पूरा पूरा देश पवित्र हो गया, कितने लॉ बनाए हैं, हर चीज पे तो लॉ बना के रखा हुआ है उन्होंने, बट क्या हम हैं पवित्र उतने? रीजन, प्रूफ ही नहीं हो पाता। तो जैसे अभी हमने गार्ड वाली बात बताई,
डेफिनेटली दैट गार्ड इज नॉट गोइंग टू से कि देखो हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है, वो चुपचाप जाएगा बाहर, बाहर जाके इन्फॉर्मेशन रिलीज करेगा और ट्रेडिंग करवाएगा, थोड़ा कमीशन खुद कमाएगा और बाकी तो वो खुद कमाएगा। जब तक पकड़ा नहीं जा रहा है वेल एंड गुड, जिस दिन पकड़ जाएगा PIT रेगुलेशन लग जाएंगे, ठीक है। तो एवरीथिंग रेस्ट अपॉन वन थिंग, प्रूफ। वही नहीं हो पाता है हमारी कंट्री में, प्रूफ हो जाए तो सब गेम ही खत्म, ठीक है। सो लेकिन इनको प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डीम्ड है, इनको प्रूफ करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट कनेक्टेड पर्सन वाले में प्रूफ का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन बीइंग इट इज डीम्ड कि जो भी कनेक्टेड पर्सन है दे मस्ट बी हैविंग UPSR, ओके। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी, कनेक्टेड पर्सन की। जरा देखते हैं कनेक्टेड पर्सन कौन है। कनेक्टेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग 6 months prior to the concerned act has been associated with the company directly or indirectly. Concerned act का मतलब जिस दिन वो काम हुआ, जिस दिन वो ट्रेडिंग हुई, अगर उसके पिछले 6 महीनों में आप कंपनी से किसी भी तरह से एसोसिएटेड थे तो आप कनेक्टेड पर्सन मान लिए जाएंगे। एक बात बताऊ लॉजिकली, आपको नहीं लगता इस एक लाइन से, ये डेफिनेशन, ये एक लाइन बहुत वाइड है कि बहुत नैरो है? बहुत वाइड है। लिखा है एसोसिएटेड विद द कंपनी, एसोसिएशन तो किसी भी तरीके की हो सकती है ना, तो कह रहे कितने लोगों को कवर कर लिया इन्होंने, कह रहे एनी पर्सन हु इज और हैज ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट हैड बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी जिस दिन आपने सेल परचेज का ट्रांजेक्शन किया अगर उसके पिछले 6 महीनों में आपका कंपनी के साथ किसी भी तरीके का एसोसिएशन था तो हम ये मान लेंगे कि आप इनसाइडर हो, हम ये मान लेंगे आप कनेक्टेड पर्सन हो, और अगर आप कनेक्टेड पर्सन हो तो आप इनसाइडर हो, और आपने आज जो ये ट्रेडिंग करी है दैट विल बी डीम्ड टू बी इनसाइडर ट्रेडिंग। इफ दैट इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग देन यू विल हैव टू प्रूव। हम तो ये मान लेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग है। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अच्छा सेकेंड देखो, इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग बाय रीजन ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर्स और बाय being in any contractual fiduciary or employment relationship, कह रहे हैं कि उनके कंपनी के ऑफिसर्स के साथ हमारा कोई contractual relationship था, fiduciary relationship था, what is a fiduciary relationship, trust का relationship था, okay, employment का relation था, employee हैं हम उनके, ठीक है। या फिर ये देखिए, by reason of frequent communication with its officers, Mr. A कौन है, Mr. A उस कंपनी में कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, मिस्टर ए रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ना एम्प्लॉय है, कोई नहीं है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रोज शाम को मिस्टर ए के साथ बैठ के चाय पीते हैं और बिजनेस मैटर डिस्कस करते हैं। बताओ मिस्टर ए कनेक्टेड पर्सन हुए कि नहीं हुए? अगेन सवाल क्या उठेगा, प्रूफ, एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए इसको पकड़ा ही नहीं जा सकता, आप खुद सोच के देखो ना कैसे पकड़ा जा सकता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घर आके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वैसे भी आप खुद बताओ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, आपको लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना बेवकूफ है कि वो खुद आके ट्रेडिंग करेगा जब उसको पता है PIT रेगुलेशंस हैं? ऑब्वियसली किसी और से कराएगा, दैट एज सिंपल एज दैट। वो अपने घर आएगा, नीचे किराएदार खाली बैठा था, उसे कहा सुनो इधर आओ, इतने शेयर खरीद लो, इतने बेच लो, हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ये शेयर पक्का बढ़ेगा, क्या प्रूफ है? हाँ कमीशन तो ले गई, क्या प्रूफ है इनसाइडर ट्रेडिंग का? कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर इतना बेवकूफ होगा कि उसको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, इतनी स्ट्रिक्ट है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेके अपने नाम से ट्रेडिंग करे, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सबको छोड़ो, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर ले रहे, क्या आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कंपनी की? कोई मीटिंग आपके बिना होती नहीं है, मीटिंग में क्या हो रहा है आपको सब कुछ पता होता है, भाई मिनट्स कौन बना रहा है? तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो कंपनी सेक्रेटरी के पास होगी। अब आई कैन एक्सपेक्ट कि आप भी इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि अच्छा बाहर जाते ही अपने नाम पे शुरू कर लिया। ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि किसी और से भी कराना, ठीक है, हम लोग यहाँ अच्छा अच्छा पढ़ने सीखे, गलत काम नहीं सीखेंगे, बट ये तो बट ऑब्वियस है ना कि अगर आपको पता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, हाँ वो ये काम कर सकते हैं जिसको पता ही ना हो कि इस तरीके का कोई लॉ है, आप तो पढ़ रहे हो, आपके तो कोर्स में, आपको पता है कि अपने नाम से नहीं, अच्छा ये भी पता है अपने नाम से ना खरीदो, किसी और को समझा दो जाके। तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लोग लेते हैं, किसी अननोन पर्सन को बता देते हैं, उससे ट्रांजैक्शन कराते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है उसकी शेयरिंग कर लेते हैं, और पकड़ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा, जिसमें 99% नहीं पकड़े जाते, कहाँ पकड़े जाएंगे, आप खुद सोचो ना। हाँ ये हो सकता है कि आपने उससे लाखों करोड़ों कमा लिया, आप ही का कोई दोस्त,
कहीं उसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी या कुछ कर दिया, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, बट छोटा मोटा तो बहुत ही चलता है। अब आई एम वेरी श्योर इसमें से बहुत सारे लोगों को ये आइडिया आ गया, अच्छा ये सही है। अभी तक हम यही सोचते थे कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी वैलरी तो कम होगी, ये कमाने का तरीका बढ़िया बता दिया मैम ने। हाँ ये पता है, ये आपके दिमाग में तुरंत सबसे पहले यही आता है कि अब सैलरी वैलरी अब आप कंपनी में जाएंगे वो जितनी सैलरी ऑफर करेगा आप सोचोगे जो दे रहे हो दे दो, नहीं भी देना चलेगा, बस हमको हर बोर्ड मीटिंग में बुला लेना, फिर देखो हम क्या बिजनेस शुरू करते हैं। नो हो, आप ही कंप्लायंस ऑफिसर हो, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना। आप ऐसा मत करना, अपने इंस्टीट्यूट के नाम को मत डुबोइएगा, क्योंकि एक बार डिग्री चली गई ना फिर दोबारा नहीं मिलेगी। अगर एक आपका इंस्टीट्यूट सबसे पहले एक्शन लेता है, इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंस्टीट्यूट जेल में थोड़ी डाल सकता है, इंस्टीट्यूट क्या करेगा पता है, डिग्री छीन लेगा, वो डिग्री जिसके लिए अभी इतनी मेहनत कर रहे हो। अब इसमें भी आप सोच रहे हो अरे डिग्री छीनने के पहले मैं इतना कमा चुके होंगे, रखो अपनी डिग्री, है ना। एनीवेज चलो, थर्ड कह रहे हैं इज अ डायरेक्टर ऑफिसर और एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं वो कंपनी का डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉई है और होल्ड्स एनी पोजिशन इंक्लूडिंग अ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड द कंपनी वेदर टेम्पररी और परमानेंट। कह रहे हैं वो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉई है या किसी भी तरीके का उसका कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टेड पर्सन। और अगर वो कनेक्टेड पर्सन है देन ही विल बी इनसाइडर। हम लोग बेसिकली डेफिनेशन इनसाइडर की पढ़ रहे थे, इनसाइडर ने कहा फर्स्ट पॉइंट क्या था, कनेक्टेड पर्सन, और अब हम लोग देख रहे हैं कि वो कनेक्टेड पर्सन कौन होते हैं। और फोर्थ कैटेगरी तो एकदम ही वाइड है, कह रहे दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू UPSI। कह रहे उसकी ऐसी पोजिशन है कंपनी के अंदर कि उसके पास UPSI होती ही है, ठीक है, कि वो ऐसा पर्सन है जिसके पास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ही इज हैविंग ऑल द अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये जितने भी लोग हैं इन सब को क्या माना जाएगा, कनेक्टेड पर्सन, एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड पर्सन सो दे विल बी डीम्ड टू बी इनसाइडर। अब ये जो दो लाइन लिखी है जरा ये देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट सेबी हैज इन इट्स रीसेंट जजमेंट कंसिडर्ड नेक्सस एंड रिलेशनशिप। व्हाट इज नेक्सस, कनेक्शन, नेक्सस इज कनेक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट सेबी हैज इन इट्स रीसेंट जजमेंट कंसिडर्ड नेक्सस एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पर्संस थ्रू सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स टू आइडेंटिफाई कनेक्टेड पर्सन। ये क्या है बताओ, सोशल मीडिया के थ्रू भी तो कर सकते हैं आप। आपके पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी भाई, पहले तो कैसे देखा जा रहा था, मिस्टर ए के पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर ए ने किसको किसको बताया, मिस्टर ए किससे किससे मिले, मिस्टर ए के रिलेटिव्स कौन है। अब ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी ट्रैक किया जा सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं आपने स्टेटस लगा दिया, एज सिंपल एज दैट, आपने ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो। नाउ हो सकता है आपने सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन दी और उससे ट्रांजैक्शन करवाया। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन करवा रहे हो तो भी आप क्या मान लिए जाओगे, कनेक्टेड पर्सन एंड एन इनसाइडर। तो किसी भी तरह से अगर आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो या आपके पास UPSI है देन यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ इनसाइडर। समझ आ गया, अब कनेक्टेड पर्सन इनसाइडर क्लियर है, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी क्या ओपिनियन बनी, अच्छा काम है इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। दिल और दिमाग दो अलग अलग चीजें, अभी शक्ल पे तो बोल रहे हो नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, प्रोहिबिशन है, और अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आया, यार पैसा कमाना तो अब समझ में आया कहाँ से कमाना है, बस एक बार CS बन जाने दो, कुछ ना हो बोर्ड मीटिंग में बिठा दो हमको, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप एक साइड में बैठे रहेंगे, हमको बैठे रहने दो, है ना, फिर देखो हम कितना कमाते हैं। भाई लीगल चीजें सीखिए। अच्छा, पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड, अब देखो कनेक्टेड पर्सन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ये कह रहे कुछ लोग होते हैं जो डीम्ड टू बी कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मिसेज ए इज डीम्ड टू बी कनेक्टेड। क्या बोल गए हम, मिस्टर ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कनेक्टेड पर्सन है, मिसेज ए डीम्ड टू बी कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि ये बट ऑब्वियस है कि मिस्टर ए की वाइफ मिसेज ए है और मिस्टर ए शेयर करेंगे मिसेज ए से, इट इज डीम्ड टू बी यानी रिलेटिव्स, ठीक है।
जो कनेक्टेड पर्सन है उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं वो भी डीम्ड टू बी कनेक्टेड मान लिए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कितना वाइड जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है, और अल्टीमेटली हर इंसान कहीं ना कहीं से कनेक्टेड ही मिल जाता है। ओके, क्योंकि इतना वाइड एरिया है, कह रहे कनेक्टेड इतने सारे थे और उन सबके रिलेटिव्स वो भी कनेक्टेड मान लिए जाएंगे। इसका रिजल्ट समझो क्या है, जो जो लोग कनेक्टेड हैं या डीम टू बी कनेक्टेड है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ट्रेडिंग करी तो वो क्या मान लिया जाएगा, इनसाइडर थे। इसलिए पढ़ रहे हैं ये कि ये जो कनेक्टेड पर्सन है, डीम टू बी कनेक्टेड है, अगर ये ट्रेडिंग करते हैं तो वो ट्रेडिंग क्या मान ली जाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ बेटा, इमीडिएट रिलेटिव में देखो फिर वही चीज आती है, जहां कहीं भी रिलेटिव की बात आती है, ठीक है, रिलेटिव की हर जगह डेफिनेशन दी होती है कि रिलेटिव में कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाएंगे। हालांकि ब्लड रिलेशन क्या छोड़िए, ब्लड हो ना हो, मतलब ब्लड रिलेशन हो ना हो, कई बार बिना ब्लड रिलेशन की भी बड़ी अच्छी रिश्तेदारी होती है। यहाँ पे मुद्दा ये है ही नहीं ना, कोई विल में प्रॉपर्टी थोड़ी मिल रही है, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन शेयर होनी है, तो मे बी इसमें तो फ्रेंड भी कवर हो जाएगा। हम रिश्तेदारों से बात नहीं करते, दोस्त हमारा पूरे टाइम साथ रहता है, आपके साथ तो यही सीन है, रिश्तेदारों को तो पहचानते नहीं हो, दोस्त तो पूरे टाइम साथ रहता है। तो अगर आप में से कोई, मतलब कुछ लोग बन गए कंपनी सेक्रेटरी, तो आप अपने दोस्त से कहेंगे, अच्छा ये भी है, आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप सीएस बन गए, आपका दोस्त ही बन पाया, उसे कहेंगे तुम चिंता ना करो, हाँ ये देखो, आप अपने दोस्त से कहेंगे तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, हम सीएस बन गए ना, बोर्ड मीटिंग में हम जाएंगे, हम यूपीएसआई कमा कमा के लाएंगे और फिर हम दोनों जिंदगी भर कमाएंगे, है ना, बड़े उपाय हैं आपके पास। चलो, पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड में कह रहे हैं उनका इमीडिएट रिलेटिव डीम टू बी कनेक्टेड हो गया, उसकी होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कोई इंटरमीडियरी, कौन होते हैं ये इंटरमीडियरी, ब्रोकर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा, उसकी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, कह रहे एन ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो ऑफिसर्स हैं, भाई स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स को तो सबसे पहले पता चल जाता होगा क्या चल रहा है मार्केट में, वो भी डीम्ड टू बी कनेक्टेड मान लिए जाएंगे। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अ म्यूचुअल फंड, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन ऑफिशियल और एम्प्लॉई ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिला के जितने भी ये इंटरनल लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं या उस कनेक्टेड पर्सन से रिलेटेड हैं, दे विल बी डीम्ड टू बी कनेक्टेड। और अगर ये कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वो ट्रेडिंग क्या मान ली जाएगी, इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ बेटा, क्लियरिंग हाउस, ये भी एक इंटरमीड, कौन सा पॉइंट है, ई ना, अच्छा, एन ऑफिशियल और स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। अभी जब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे वहां पर एक क्लियरिंग हाउस होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रेड क्लियर होगा, अच्छा चेक क्लियर सुना है आपने, चेक क्लियर होती है क्योंकि आरबीआई का भी एक क्लियरिंग हाउस है, वैसे ही जैसे शेयर की खरीद बेच होती है ना, तो इसका भी एक क्लियरिंग हाउस है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर हमारे ट्रेड्स क्लियर होते हैं, दैट इज दैट क्लियरिंग हाउस। तो उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी कनेक्टेड पर्सन है। आप खुद सोचो ना, जो ट्रेडिंग खुद क्लियर कर रहा है उसको तो पता ही है ना मार्केट में क्या चल रहा है, इनके पास तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती ही है। ओके, बाकी क्लियरिंग हाउस के बारे में स्टॉक एक्सचेंज में डिटेल में मिलेगा। ओके, तो ये सब मान लिए जाते हैं डीम टू बी कनेक्टेड। बैंकर ऑफ अ कंपनी, आपको नहीं लगता एक कंपनी के बैंकर को ही उसकी असली चीज पता होगी, यस और नो, बैंकर को सबसे पहले पता चल जाएगा इस कंपनी ने जितने चेक काटे हैं सब बाउंस जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अकाउंट में फंड्स ही नहीं है, तो बैंकर भी तो ऐसा कर सकता है। फिर वही एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी का बैंकर समझिए ना, बैंक जहां उसका अकाउंट है। अब रिलायंस कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, ये बात सबसे पहले किसको पता होगी, बताओ, बैंक को। बैंक के अंदर भी इंसान है, ठीक है, जो वहां का मैनेजर होगा, इंप्लॉई होगा, उन्होंने देख लिया कि अच्छा इनके अकाउंट में तो फंड्स ही नहीं है, इनके तो लगातार चेक बाउंस होते जा रहे हैं, अभी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में रिलीज नहीं हुई है, वो फटाफट क्या करेगा बताओ, वो लोगों को ये बताना शुरू कर देगा, जितने शेयर है बेच दो, ये दिवालिया होने वाली है कंपनी, दिस इज व्हाट इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बैंकर को भी क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी इनसाइडर। And a concern, a firm, trust, HUF, company associated of person, wherein a director of a company or his immediate relative has more than 10% of holding of interest.
ये जे वाला पॉइंट जरा समझिए, अ कंसर्न फर्म ट्रस्ट एचयूएफ कंपनी, जहां पर कंपनी के डायरेक्टर का 10% से ज्यादा स्टेक लगा है। मतलब समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कि एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, एक पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में 10% से ज्यादा स्टेक मिस्टर ए का लगा है, ठीक है, तो बताओ ये पार्टनरशिप फर्म इसकी रिलेटेड हुई कि नहीं हुई। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कंपनी का एक डायरेक्टर जिसका 10% से ज्यादा स्टेक किसी फर्म में लगा है, तो वो पार्टनरशिप फर्म भी डीम्ड टू बी कनेक्टेड मान ली जाएगी किसकी, कंपनी की, ठीक है, क्योंकि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को पता होगी, और जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को पता है वो उस फर्म को तो बताएगा ही जहां पे वो 10% से ज्यादा होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी फर्म हो या ट्रस्ट हो या एचयूएफ हो, जहां पर कंपनी का डायरेक्टर 10% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा होगा, वो कंसर्न फर्म ट्रस्ट या एचयूएफ भी डीम्ड टू बी कनेक्टेड मान ली जाएगी। अब बताइए, समझ आ गया कॉन्सेप्ट? हम लोग ने डेफिनेशन देखिए तीन पढ़ी, एक इनसाइडर की पढ़ी, इनसाइडर के अंदर दो पॉइंट्स थे, पहला कनेक्टेड एंड एनी पर्सन हैविंग यूपीएसआई, कनेक्टेड के अंदर फिर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े, और ये डेफिनेशन किसकी थी, डीम्ड टू बी कनेक्टेड। अब देखो वहां एक वर्ड आया था रिलेटिव, अब देख लीजिए कौन कौन रिलेटिव हैं। इमीडिएट रिलेटिव में देख लो कौन कौन से आ रहे हैं, कह रहे स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, एनी ऑफ होम इज ईदर डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन सच पर्सन, ये मान लिए जाएंगे कौन, रिलेटिव, इमीडिएट रिलेटिव, ओके। ब्लॉक में देखो क्या लिखा है, इफ अ स्पाउस इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अब जरा ध्यान से समझिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिस्टर ए थे, पहले समझ लो पढ़ने लग जाते हो आंसर, हाँ हालांकि उसको तुम आप लोग पढ़ लेते तो भी ना समझ में आता क्या लिखा है। मिस्टर ए है डायरेक्टर, ठीक है, मिस्टर ए के पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनकी वाइफ ने ट्रांजैक्शन किया है, ओके, लेकिन उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग अलग रहते हैं और हमारी वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मींस शी हैज नथिंग टू डू विद मी, ठीक है, वाइफ ने कोई ट्रांजैक्शन किया है, बताओ को यूपी मतलब वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा कि नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आया, मिस्टर ए एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, बाय एंड सेल का ट्रांजैक्शन किया है उनकी वाइफ ने, उनसे कहा गया कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि ये आपकी इमीडिएट रिलेटिव हुई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी वाइफ हमसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, हमारी इनकी बोलचाल बंद है, ठीक है, आप बताओ ये इनसाइडर ट्रेडिंग होगा कि नहीं। क्वेश्चन समझ आ गया सबको, बताइए इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं है, है कि नहीं है, हाउ मेनी ऑफ यू से हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग तो है, वाइफ तो वाइफ, बोल चाल का क्या है, वो तो रोज ही बंद हो जाती है, फिर सही भी हो जाती है, तब तक है। अच्छा बेसिकली क्या माना जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, अगर नहीं है तो प्रूफ करो, देखो यही तो लिखा है, अ स्पाउस इज प्रिज्यूम्ड टू बी एन इमीडिएट रिलेटिव unless rebutted so, rebutted means unless otherwise proved, अगर उसने प्रूव कर दिया कि नहीं सही में बोलचाल बंद है, जब से शादी हुई है एक बार भी नहीं बोला हमने उनसे, वो दूर रहती है, मैं पता भी नहीं कहाँ रहती है, अगर वो प्रूव कर ले गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो ये प्रूव नहीं, वो कह रहे नहीं रहती तो साथ में है, बोलचाल बंद रहती, बात नहीं करते हैं उनसे, लिख लिख के बात कर लेते, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली अगर स्पाउस है तो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा, अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है फाइन। तो देखो लिखा था, इफ अ स्पाउस इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट कंसल्ट एन इनसाइडर व्हाइल टेकिंग ट्रेडिंग डिसीजन, वो कह रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो कह रहा है कि वो खरीदने बेचने से पहले हमसे पूछती भी नहीं है, वो तो खाना भी हमसे पूछ के नहीं बनाती है, शेयर खरीदने बेचने की तो दूर की बात है, हमारी उनसे बोलचाल बंद है, वो हमसे कुछ भी नहीं पूछती हैं, कुछ आज तक कुछ भी नहीं पूछा, तो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हुआ। तो सेबी ने क्या कहा, हुआ कि नहीं हुआ, सेबी ने कहा खाना भले ही ना पूछती हूँ लेकिन हम तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग मान लेंगे, ओके, नहीं है तो आप प्रूफ करिए, फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रपोज टू बी लिस्टेड, प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब क्या हुआ, अनलिस्टेड कंपनी जिसके शेयर अभी तो लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्ट होने वाले हैं, सो इट्स वेरी सिंपल, कह रहे हैं प्रपोज टू बी लिस्टेड शैल इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी
इफ सच अनलिस्टेड कंपनी हैज फाइल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट्स एज द केस मे बी विद द सेबी और स्टॉक एक्सचेंज इन कनेक्शन विद लिस्टिंग, यानी अभी वो लिस्टेड नहीं है लेकिन लिस्टिंग कराने के लिए उसने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, उसको माना जाएगा प्रपोज टू बी लिस्टेड। एनी डाउट? हाँ बेटा, ओके। अगर वाइफ से डाइवोर्स हो गया हो तो क्या किया जाए, बताइए। मतलब उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग करने के लिए वाइफ को डाइवोर्स तक दे दिया, उसने कहा चली जाओ तुम हमारी नजरों के सामने से, बताइए क्या माना जाएगा। देखो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन प्रूफ। डाइवोर्स होने के बाद भी हमने उससे कहा कि भैया हम तुम्हें कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे, तुम ट्रेडिंग करना, आधा आधा बांट लेंगे, फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं, और क्या बात ये है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पेपर। हाँ अगर आपने प्रूफ कर दिया भैया डाइवोर्स हो गया, वो कहाँ है, हम कहाँ है, कुछ नहीं पता, प्रूफ अगेन सेम थिंग, ठीक है। चलो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब पता है आप लोग को, इट इंक्लूड्स सब्सक्राइबिंग बाइंग सेलिंग डीलिंग अग्रीइंग टू सब्सक्राइब बाय सेल डील इन एनी सिक्योरिटी एंड ट्रेड शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली, यानी बाय सेल डील करना तो ट्रेड है ही, अग्री टू सब्सक्राइब बाय सेल मतलब हमने खरीदा, एक चीज हो गई खरीदना बेचना, एक चीज होता है खरीदने बेचने का अग्रीमेंट करना, इसको भी ट्रेडिंग माना जाएगा, ओके। तो अगर इनसाइडर्स ने खरीद बेच नहीं करी है लेकिन खरीदने बेचने का अग्रीमेंट किया है तो भी वो इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाएगा, ओके। अगली डेफिनेशन देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी और इट्स सिक्योरिटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज नॉट जनरली अवेलेबल। What do we mean by generally available? Available to the public. कह रहे हैं वो public को available नहीं है. Which upon becoming generally available is likely to materially affect the price of security. बताओ क्या मतलब हुआ? हाँ कह रहे हैं अभी वो generally available नहीं है लेकिन अगर वो information public को मिल गई तो उससे company के share prices affect होंगे, ठीक है, fine, and shall ordinarily include but not restricted to the following. इसका मतलब बता दो, अब इतने होशियार हो गए हो आप लोग। Ordinarily include but not restricted to the following. मतलब ये जितने पॉइंट दिए ये UPSI है, ये UPSI है, हम आपसे पूछ रहे हैं ये जो पांच दिए हैं ये UPSI है कि नहीं है, ये है, ये है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, ओके। इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर डिमर्जर, चेंज इन KMP, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या मानी जाती है, UPSI। इनके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिनको UPSI माना जाए। यहां तक कोई कंफ्यूजन, सबको समझ में आ गया, चैप्टर अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, आपको तो कमाने की चाबी मिल गई है, अब क्यों नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अभी स्टॉप करेंगे, इसके रेगुलेशंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।